सैम्पल पेपर टू स्टार्ट कर रहे हैं। सैम्पल पेपर वन हम पूरा ख़त्म कर चुके हैं, बेसिक स्टैंडर्ड। अब ये सैम्पल पेपर टू में हम सॉल्व कर रहे जा रहे हैं, और सेक्शन ए और बी इस वीडियो में पूरा मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, सेक्शन ए में जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, सो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 30, द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ प्राइम नंबर इज। देखो, एक से लेकर हमारे पास 30 नंबर हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, टोटल आउटकम कितने हैं, 30 है। पहले वाले क्वेश्चन में टोटल आउटकम कितना है, 30। प्राइम नंबर इसके बीच में कितने हैं, पहले वो लिखना पड़ेगा ना आपको, प्राइम नंबर कितने हैं। प्राइम नंबर हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, फिर 5 हो गया, ऐसे गिनने हैं आपको, फिर लिख के भी दिखाना पड़ेगा, 7 हो गया। हालांकि मल्टीपल चॉइस लिख के दिखाना नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 मार्क्स में आएगा तो पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा। 11 हो गए, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, और 29। इन सबको गिनोगे तो कितने आ जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 10। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी पी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 10, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 30। सो आंसर क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। यानी कि इसका जो ऑप्शन है सी, 1/3, वो क्या हो जाएगा, ट्रू। नंबर 2 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या बोला, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनअल्टर्ड, बी डबल्ड। देखो, जब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब भी हम किसी चीज़ को एक चीज़ से दूसरे चीज़ में ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, तो उसके वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, वॉल्यूम सेम रहता है। सो रिमेन्स अनअल्टर्ड, जो ऑप्शन सी है वो ट्रू हो जाएगा, किसी कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल ऑफ रेडी 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर इज, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 3rd वाले में कह रहे हैं, 2 सर्कल को मिलाने पर द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया, इनका जो एरिया है, सपोज करो इसका R1 है, इसका रेडियस R2 है, एक मिलाने पर जो बड़ा रेडियस बनता है, सपोज करो उसका रेडियस हम R मान लेते हैं, ठीक है, तो जो बड़ा सर्कल बनता है उसका डायमीटर क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन में डी फाइंड करना है, ठीक है। इन दोनों का जो एरिया होगा, इन दोनों सर्कल के एरिया का जो सम होगा वो बड़े वाले के इक्वल है, ठीक है। सो देखो, पहले वाले का जो रेडियस दे रखा है, छोटे वाले का, वो 7 दे रखा है, और दूसरे वाले का 24 दे रखा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इसका जो एरिया है, यानी कि πr1² इसका जो एरिया हो जाएगा πr2² इसका क्या हो जाएगा, πr² इसकी इक्वल है, पाई दोनों तरफ से कॉमन है, पाई से पाई कैंसिल, वैल्यू पुट अप करो, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा r², यानी 7 का स्क्वायर 49, 24 का होता है 576, और ये हो जाता है 625। रूट ले लोगे 625 का तो कितना होता है, 25। सो जो रेडियस कितनी होगी, 25 होगी, लेकिन हमें निकालना है डायमीटर, डायमीटर होता है 2r, यानी कि 2 × 25, यानी कि 50 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका डी है वो सही हो जाएगा। नंबर 4th पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोला, इफ़ साइन ए 1/2 है तो वैल्यू क्वाड्रेटिक की क्या होगी, ठीक है। तो साइन ए, देखो साइन क्या होता है, लंबटा कर्ण, साइन ए क्या होता है, हमें कहते हैं 1/2, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटोनिस, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटोनिस हमारा 2 है, सो बेस क्या हो, बेस क्या होएगा, हाइपोटोनिस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि इसको सॉल्व करोगे 4 में से √3 आ जाएगा। आपको पता है लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, और हमें कॉट ए निकालना है, ठीक है, और ए एंगल हमारा इधर है, कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है अपन के पास, रूट थ्री, परपेंडिकुलर कितना है अपन, यानी कि आंसर क्या जाएगा, रूट थ्री। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ये हमारा एक पॉइंट क्यू है, ठीक, देन रेडियस, इस फिगर से ही देख लेते हैं कि ये रेडियस हमें फाइंड करना है, तो क्या लगाना पड़ेगा हमें, पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा 25, ये आपको 24, और रेडियस हमें निकालना है। ठीक है, और यहाँ बनता है 90 डिग्री, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 625 होता है, और ये 576, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 49 आ जाएगा, और 49 का कितना होता है, रूट 7। सो आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो ट्रू हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं इस ट्रायंगल एरिया फाइंड करना है, देखो वर्टिसेस आपको नहीं दे रखा है, तो ये वर्टिसेस कितना है, देखो बी वर्टिसेस -1,0 और सी वर्टिसेस क्या है, 4,0, ये वाला। अब आपको वर्टिसेस सारे पता हो गए, अब आपको बस फॉर्मूले में रख देना है, ए बी सी आपको दे ही रखा है, ठीक है, यही तो दे रखा था, बाकी बी सी नहीं दे रखा था, उसे हमने आराम से विद द हेल्प ऑफ फिगर निकाल लिया है। सो देखो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लो, या मैं ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो हमें ए क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, 1,3, बी हमने निकाला कितना था, -1,0, और सी हमने निकाला था 4,0। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, फार्मूला 1/2 y2 - y3, y3 - y1 और y1 - y2, ये फॉर्मूला होता है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, बस इस फॉर्मूले रख दो और सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं द फेमस मैथमेटिक एसोसिएट विद द फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज, पाइथागोरस, न्यूटन, यूक्लिड, गॉस। सो एक कॉन्सेप्टिक बेस्ड प्रॉब्लम है, अगर आपके टीचर मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ जानकारी आपको देते रहते होंगे तब ये आप कर सकते हैं। सो एक्चुअली ये जो 100 नेचुरल नंबर वाला जो रूल है ना, वो गॉस ने निकाला था, फेमस मैथमेटिशियन। ठीक है, सो 7th का सी हो जाएगा। फिर हमसे पूछ रहा 8वें क्वेश्चन में, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डिस्टिंक्ट रूट, रियल रूट्स, मतलब रूट्स के नेचर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जब भी क्वेश्चन आता है नेचर के लिए तो हमें निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट। हमें गिवन पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, ये दे रखा है, यहाँ हमारे पास ए के प्लेस पर 2 है, बी के प्लेस पर ये चीज़ है, और सी के प्लेस पर 1 है, हमारे पास डी क्या होता है, b² - 4ac, निकालो। सो ये तो आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8, 5 माइनस से 8 गया, सो माइनस के 3। सो माइनस का जब भी आता है सो नो रियल रूट होते हैं, रियल रूट ही निकलते इसके, है ना, आपको पता है, अगर पॉजिटिव का आता है तो रियल रूट्स निकलते हैं, नेगेटिव का आता है तो नेगेटिव का आने पर रियल रूट्स नहीं निकलते, और जब 0 आता है डी तब क्या होता है, रूट्स इक्वल होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नॉन रियल रूट्स, सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब नंबर 9 को सॉल्व करना है ग्राफिकली, ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा। सो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो तीन जो रूल थे,
A1 अपॉन A2 करके जो रूल था वो आपको आना चाहिए। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है, दो जो इक्वेशन है 9 में 6x माइनस के 3y देखो हियर A1 क्या है 6, B1 क्या है माइनस के 3 एंड C1 क्या है 10, A2 है 2, B2 है माइनस के 1 और C2 है 9। सबसे पहले आपको A1 अपॉन A2 निकालो जो कि होगा 6 अपॉन 2 यानी कि 3, फिर निकालो B1 अपॉन B2 वो क्या आ गया माइनस के 3 अपॉन माइनस के 1 वो भी आ गया 3, फिर आप निकालो C1 अपॉन C2 यानी कि 10 अपॉन 9। ठीक है, सो यहाँ से पता लग रहा है सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये किस कंडीशन को डिनोट करता है बताइए ज़रा। ठीक है, ये कंडीशन डिनोट करता है आपको कि ये जो सिस्टम है उसका कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन कब होता है, जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं यानी कि ज्योमेट्रिकली ये क्या होता है पैरेलल लाइंस। ठीक, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। सो इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा, पैरेलल। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ एन इज, क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना MCQs मैंने चैप्टर वाइज करा रखे हैं, वहाँ पर आपको एक एक चैप्टर के 100 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सो उनको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, और ये क्वेश्चन भी मैंने वहाँ करा रखा था। बताओ एन स्क्वायर माइनस 1 8 से डिवाइड कब होगा, जब एन ऑड होगा एन इवन होगा, ठीक है, या ऑड इंटीजर होगा या इवन इंटीजर होगा। सोचिए अगर मैं ऑड रखता हूँ, ठीक है ऑड रखता हूँ, अगर 3 रख दिया मैंने, 3 क्या है एक ऑड इवन इंटीजर है, तो ये 3 3 9 माइनस 1 यानी कि 8, 8 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, सही कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर प्लस का रख के देखूँ 4 यानी कि 16 माइनस 1 15 डिवाइड नहीं होते हैं, तो ऐसे आपको चेक करना है। ठीक है, ये नहीं कॉन्सेप्ट बनाना है, कुछ भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बना के रख के देखो। ठीक है, डिस्कार्ड मेथड बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं। तो 3 ने सेटिस्फाइड किया, 3 क्या है पॉजिटिव के ऑड इंटीजर, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा एन ऑड इंटीजर, ऑप्शन नंबर सी ट्रू हो जाएगा। सो 1 से लेकर 10 क्वेश्चन मैंने आपको समझाते हुए बता दिया तुरंत। अब क्वेश्चन नंबर 11 से जो 15 नंबर के क्वेश्चन है उसको हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या बोल रहे, पहला 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म एंड ऑफ ऑफ वन ऑफ दिस इज माइनस वन। ठीक है, एंड दैट द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म इज क्या होगा। कह रहे दो AP हैं हमारे पास, दो AP हैं, एक सीरीज हमारी A1 है मान ले तो, एक दूसरा A2। पहले इनका जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का वो क्या है सेम है। ठीक है, एंड क्या बोला, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज माइनस वन, इनमें से किसी एक का जो फर्स्ट टर्म है ना वो कितना है माइनस वन है, तो इनके बीच का जो फोर्थ टर्म का डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है इन दोनों सीरीज के बीच में। ठीक है, चलिए देखेंगे इस कैसे करेंगे हम। ठीक, अब देखो हमें दोनों क्वेश्चनों का ये चीज़ हमें निकालना है। तो देखो अगर क्वेश्चन को मैंने पूरा फोल्ड करके था ना देख नहीं पाया था, तो फर्स्ट टर्म हमारा पहले का माइनस वन दे रखा है, दूसरे का सीरीज का फर्स्ट टर्म माइनस एट दे रखा है, तब जाके हमें फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। सो इसका फर्स्ट टर्म तो माइनस वन है और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है माइनस के 8 है। इसका अगर फोर्थ टर्म निकालो, पहले वाले सीरीज का फोर्थ टर्म निकालोगे तो क्या आ जाएगा फोर्थ टर्म, देखो फॉर्मूला क्या होता है A+3D, कॉमन डिफरेंस सेम है, ए कितना है माइनस वन, ये 3D रहेगा इसका फोर्थ टर्म, और इसका फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा ए कितना है माइनस के 8 और ये भी 3D। अब डिफरेंस करना है मतलब माइनस करना है, डिफरेंस का मतलब माइनस करना है। सो ये देखो ये प्लस का ये माइनस का कटा, सो माइनस वन प्लस 8
तो कितना जाएगा, 7। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 7 होगा। आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा इसमें ऑप्शन भी दे रखा है और करके, वो भी निकल जाएगा, वो भी निकालते हैं। कह रहे हैं इफ़ एन ए पी, ए हमें दे रखा है 1, ए एन हमें दे रखा है 20, एस एन हमें दे रखा है 399, तो बताओ एन कितना होगा। सो आपको पता है एस एन, ठीक, ए एन हमें दे रखा है 20, लास्ट वाला पार्ट हमें दे रहा है एस एन इसको, क्या होता है एन बाई टू ए प्लस ए एन, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें पता होते हैं। तो 399 एन हमें निकालना है, 2 ए हमारे 1 है, लास्ट वाला टर्म 20 है, इधर चला जाएगा और 20 और 1 21 हो जाएगा, और इधर रखकर डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू एन। अब काटो, कटेगा क्या, 3 से करो, 3 सत्ते 21, 3 कम 3 3 3 3 3 9, फिर काटो कटेगा, 7 एक कम 7 कितना बचा, 6 7 नम 63, सो एन की वैल्यू कितनी होगी, 19। आंसर ये भी हो गया। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, इन टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस ऑफ दिस, ये पी है ये क्यू है, देन इनका एलसीएम क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सब भी मैंने एमसीक्यूज जब करा रहा था चैप्टर वाइज करा रखे ऐसे क्वेश्चंस। पी हमारे पास क्या है, ए बी स्क्वायर, क्यू हमारे पास क्या है, ए क्यू बी। एलसीएम अगर निकालना है ना पी क्यू का, तो ए और ए क्यूब में सबसे बड़ी पावर किसकी है, ए क्यूब की, लिख दो। बी और बी में सबसे बड़ी पावर किसकी है, बी स्क्वायर की। आगे एलसीएम, इतना इजी था ये, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में, क्या बोल रहे हैं, 3 सॉलिड मेटालिक स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड इनटू अ सिंगल स्फेरिकल बॉल, इट्स रेडियस इज। मेटल को मेल्ट किया गया, यानी कि वॉल्यूम की बात होगी, 3 मेटालिक बॉल्स हैं हमारे पास, उनको मेल्ट करके मिलाकर एक बड़ा सा बॉल बना गया है, तो उस बड़े बॉल की रेडियस क्या होगी, जबकि पहले बॉल की रेडियस हमें दे रखी है 3, दूसरे की 4 और इसकी 5, ठीक है। तो जब भी मेल्टिंग की बात होती है तो बात किसकी हो रही है हमारे पास, वॉल्यूम की। इन तीनों के वॉल्यूम का जो सम होगा इसके इक्वल होगा। बॉल, बॉल का क्या होता है वॉल्यूम, 4π/3πr³, r²³, r³³, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 4π/r³। तो देखो यहाँ से सब में ये चीज़ कॉमन है, कॉमन आके सबसे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो यहाँ बचेगा r³, r² r³ और यहाँ से r³। वैल्यूज रख देंगे, 3³, 4³, 5³, r³। 3³ क्या होता है, 9 × 9 = 27, 4 होता है 16, 16 × 64, 5×25 = 125, ठीक ये हो गया। अब इन सबको क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है और फिर इसको क्या कर लेना है, सॉल्व करके क्यूब निकाल लेना है, ठीक है। सो देखो ये इन सबको जोड़ेंगे तो r³ आ जाएगा 216। अब 216 को आपको तोड़ना है, 216 क्या होता है, 6 × 6 × 6, क्योंकि क्यूब है तो 3 का जोड़ा लेना है। सो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे सेंटीमीटर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ, कह रहे इफ इन द ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ, इसमें ये चीज़ इसके बराबर है, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। कह रहे हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ए बी सी, एक क्वेश्चन 14 है, ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल है आपका डी ई एफ, ये सिमिलर कब होंगे, हमें तो बोल दिया है कि ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, बी सी अपॉन एफ डी, ये एफ है।
सो तीसरी रेशियो जो बच गई है ना वो लिख दो। देखो ये ए बी क्या है, ए बी अपॉन डी ई हो गया, फिर बी सी अपॉन ई एफ हो गया, बचा क्या, ए सी। ए सी अपॉन क्या जाएगा, डी एफ, ये लग जाएगा सामने बस आंसर। ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 15 कह रहे हैं टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन लाइन इज दिस, देन द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन इज। अब पैरेलल की कंडीशन मैंने अभी आपको बताया था, अभी क्वेश्चन में किया भी था। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, ए वन अपॉन ए टू बराबर होता है बी वन अपॉन बी टू, और बराबर ना हो सी वन अपॉन सी टू की। सो हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो 4x + 3y इक्वल टू 14 दे रखा है, यानी कि ए वन के प्लेस पे हमारे पास 4 है, बी वन के प्लेस पे 3 है, और सी वन के प्लेस पे हमारे पास माइनस के 14 है, क्योंकि ये प्लस का है इधर आगे माइनस का हो। सो दोनों का रेशियो इक्वल बनाने के लिए चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 4 का डबल कर दूँ 8, 3 का डबल 6 कर दूँ, और यहाँ कुछ भी लिख दूँ जैसे कि इक्वल ना हो जाए, बस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। सो देखो ये क्या है, 1/2, 1/2 बट नॉट इक्वल टू 7। सो जो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा वहाँ से क्या होगा, ऐसे लिख सकते हो 8x 6y प्लस के 2। ऐसे तो अनंत आंसर है इसके, इनफाइनाइटली मैनी आंसर हैं इसके, बट एक उनमें से एक आंसर ये भी होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक इनके हमें पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर देना है। ठीक है, चलो करते हैं इनको। 16 प्रॉब्लम है हमारे पास, sin 25 / cos 65, फिर है 10 23 / cot 67। सो देखो इनकी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे तो पता नहीं है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहे तो 90 आ रहा है। जब भी ऐसा होता है तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को बदलना होता है, आपकी मर्जी है। अब 90 में से कितना घटाएंगे, 25 आ जाए, ऊपर वाला बदल रहे हैं 65, ऊपर वाला बदल दिया तो नीचे वाला वैसे का वैसे ही। अब इसमें से नीचे वाला बदल देते हैं, 90 में से कितना घटाएंगे, 67 आ जाए 23। आपको बताएं sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, और cot 90 - थीटा क्या होता है, 10 थीटा। सो यहाँ पर लगा दो फॉर्मूला, sin 90 - थीटा cos थीटा की जगह पे 65, नीचे तो वैसे का वैसे ही है, ऊपर वाला वैसे का वैसे ही रहा, cot 90 - थीटा 10 थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 23। एक बार तो 1 + 1 यानी कि क्या जाएगा, 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 2। फिर बोला फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4। बहुत ही सिंपल आंसर है, जीरोज सपोज करो एक्स, एक जीरो हमें -3 दे रखा है एंड दूसरे हमें एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने, इसके निकालने के दो तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका क्या है कि ये अल्फ़ा है ये बीटा है, सपोज करो ये बीटा है और ये अल्फ़ा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x² α + β x + α * β, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने का फॉर्मूला। तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया बाहर से x, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। सो यहाँ से आ जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा -k12। दूसरा भी तरीका है उसे रहने, तो यही सबसे आसान था, इसी मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.26 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय 500 रेवोल्यूशन। ठीक है, ऐसे ऐसे 500 चक्कर में कितना घूमेगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये एक व्हील है, घूमेगा यानी कि ये चीज़ घूमेगी, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये सरकमफ्रेंस कितने बार के लिए निकालना है, 500 टाइम्स के लिए निकालना है, और इस व्हील का डायमीटर क्या दे रखा है, 1.26
मीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा, 1.26 का हाफ। ठीक है, सो कितने सर्कल वर्क निकालने हैं, 500 सर्कल के लिए, यानी कि 500 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस है। और कितने रेजोल्यूशन निकालने हैं, 500 रेजोल्यूशन यहाँ पर। तो यहाँ तो 500 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 1.26/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, लाइट चली गई है, आई एम सॉरी गाइस। ठीक है, और अपॉन में 7 कुछ कट रहे हैं, देखते हैं। सो हमारे पास बचा क्या है, 500 इंटू 22/1.26/7। तो 7 × 7 पॉइंट कितना बचा, 56, 7 × 56, यानी कि 500 × 22 × 1.8। इनको कर लोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा इसकी प्रोडक्ट करने पर। ठीक है, ये चीज़ हो गई, मल्टीप्लाई कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कितना कवर कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस इज 5, बी हैज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। वाई एक्सिस पे बोला है तो एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सो ए हमारे पास वाई एक्सिस के लिए बोला क्या है, 5, तो एक्स एक्सिस क्या होगा इसका, 0। और बी पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, बी पॉइंट हमारा दे रखा है -3.1। अब डिस्टेंस निकालना है हमें ए बी, तो ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है। फॉर्मूला आपको पता है, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। एक्स वन इज़ 0, एक्स टू है -3, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +3 स्क्वायर। वाई वन है 5, वाई टू है 1 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 0 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9, और 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ये आ गया √25, यानी कि क्या आ गई है, तो डिस्टेंस कितना होगा, 5 यूनिट आंसर। गाइस लाइट चली गई है, तो आई थिंक सेक्शन भी हम नेक्स्ट वीडियो पे कर पाएंगे, कितने उतना प्रॉपर साफ दिख नहीं रहे हैं। 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगा। तो देखो, जब डी ई पैरेलल होता है बी सी के, यानी कि यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, थेल्स थ्योरम। सो अप्लाई करो थेल्स थ्योरम को, 20, यानी कि जो ए डी अपॉन डी बी है वो किसके इक्वल होगा, ए अपॉन ए सी के। सो ए डी हमारे पास एक्स है, और ये एक्स प्लस 1 है, ये एक्स प्लस 3 है, और ये एक्स प्लस 5 है। मल्टीप्लाई करो क्रॉस, एक्स स्क्वायर 5x, इधर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर 3x, तो ये हो जाएगा 4x, 3 × 3 कट, 5x माइनस 4x 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये फिगर दे रखा है, तो फाइंड बोल रहे ओ क्यू आर निकालो, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर निकालना है हमें। ठीक है, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है, ओ क्यू आर हमें क्या दे रखा है, क्यू पी आर 50 है, ये वाला 50 है, तो हमें एंगल कौन सा निकालना है, फाइंड ओ क्यू आर, ओ क्यू आर ये वाला निकालना है। चलिए इसको भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो, हमारे पास ये जो फिगर है ना, ये है, इसको ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये चीज़, और यहाँ पर 50 है, और ये आपका सेंटर है। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि देखो ये इन दोनों एंगल का जो सम होता है ना, वो क्या होता है, 180 होता है। अगर वो ऐसे नहीं समझते हो, तो यहाँ पर 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग 90 है, यहाँ पर भी 90 है, होता है ना पूरा टोटल। हमें जो एंगल निकालना है वो ये निकालना है, ये वाला एंगल ओ क्यू आर। ठीक, तो 90 90, 180 50 जोड़ दो और 360 में घटा दो, तो ये वाला जो एंगल आएगा ना वो कितना आएगा, 130 आएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है,
90 plus 90 plus 50 plus O equal to 360. सो एंगल ओ क्या जाएगा 360 माइनस के 90 90 180 और 50 230. सो कितना जाएगा 130. ठीक 130 आ गया. अब ये एक ट्राइंगल बन गया है यहाँ से ऐसे. इस जरा देखो तो यहाँ 130 है और यहाँ पे जो एंगल होगा ना यहाँ पर भी वही एंगल होगा. अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स होगा. सो एक्स प्लस 130 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा 180. ट्राइंगल के तीनों का तो 2x 180 माइनस 30 तो ये कितना जाएगा 50. तो x की वैल्यू हो जाएगी 50/2 यानी कि 25. सो ये वाला एंगल कितना होगा 25.